पंडित जी, क्या ग्रह हमें परेशान करते हैं? अगर परेशान करते हैं तो क्यों? यही प्रश्न हम सभी के मन में उपस्थित हो रहा है कि ये ग्रह क्या हमें परेशान करते हैं और करते हैं तो क्यों? ये ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध इत्यादि हमसे कोसों दूर है, हमने इसका क्या बिगाड़ा? ये क्यों हमें परेशान करे? पहले हमने बताया कि हम ग्रह से जुड़े हुए हैं। हम रोजाना सूर्य का काम है रोशनी देना, सूर्य हमें रोशनी देता है। हम घर में रोशनी जलाते हैं, महीने के अंत में हमें बिल प्राप्त होता है। क्या भगवान सूर्य नारायण ने हमारे घर में कभी बिल भेजा? मैं हरेक के घर में रोशनी दे रहा हूं और ये लो तुम्हारा लाइट का बिल, भगवान ने कभी नहीं भेजा। लेकिन हाँ, हमारा एक कर्तव्य, हमारा एक फर्ज बनता है कि रोजाना भगवान सूर्यनारायण को अर्घ दे, तांबे के कलश में जल भर के उसमें अक्षत या फूल डाल के भगवान सूर्यनारायण का मंत्र ओम द्रुणी सूर्याय नमः, इस मंत्र के साथ भगवान सूर्यनारायण को अर्घ दे। ये अर्घ देने से हम सूर्यनारायण के सूर्य ग्रह से ऋण से मुक्त होते हैं। अगर हमने यह नहीं किया तो हमारा सूर्य कमजोर होता है और हमें परेशान करता है। चंद्रमा 12 मास में एक मास श्रावण मास जिसको कहते हैं, वह श्रावण मास लोग पूरा महीना शिवजी की उपासना करते हैं, क्योंकि शिवजी है चंद्रमा के स्वामी है और चंद्रमा का सीधा संबंध हमारे मन से है। शिवजी की पूजा करने से हमारा चंद्रमा बलवान होता है। अगर हम ये सोचें कि हम शिवजी की पूजा क्यों करें, क्यों दूध चढ़ाए, क्यों बिली पत्र चढ़ाए, तो चंद्रमा हमको परेशान करता है। क्यों? क्योंकि हम चंद्रमा के ऋण में हैं और हम ऋण मुक्त नहीं हुए। चंद्रमा के बाद आता है मंगल, मंगल के देवता है गणपति गणेश जी। गणेश जी भाद्रपद मास में भी गणेश जी की हम अर्चना करते हैं, घर में गणपति लेते हैं, 14 दिन उसकी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में नास्तिकता आ जाए कि हम क्यों गणेश जी की पूजा करें, गणपति के मंदिर में क्यों जाए, संकष्टी अंगार की चतुर्थी इत्यादि व्रत क्यों करें, क्यों सिद्धि विनायक के मंदिर में दर्शन करने जाए, तो यही सोच हमारे मंगल को कमजोर करती है और मंगल ग्रह हमें परेशान करता है। मंगलवार, उसके बाद आता है बुधवार, उसका स्वामी है बुध ग्रह। ऐसा कहा जाता है कि हरेक बुधवार को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए या विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए। लेकिन अगर हम ना करें तो बुध ग्रह कमजोर होता है, हमारी बुद्धि शक्ति का विनाश होता है। विष्णु सहस्त्र का पाठ न करने से बुध ग्रह कमजोर होता है। उसके बाद आता है गुरु, गुरुवार के दिन साई बाबा की पूजा करें, दत्त भावनी का पाठ करें, यह करने से गुरु बलवान होता है। अगर हम ना करें तो यही गुरु हमें परेशान करता है। उसके बाद आता है शुक्र, शुक्र का जो मालिक है स्वामी है वो महालक्ष्मी है। शुक्रवार के दिन अगर महालक्ष्मी की पूजा करें, अर्चना करें, तो हमारा शुक्र बलवान होता है। लेकिन हम शक्ति की हम उपासना ही ना करें, चैत्र महीना आश्विन महीने में शक्ति की आराधना ही ना करें, तो हमारा शुक्र कमजोर होता है। शनि का देवता है भगवान शनि और हनुमान जी, हनुमान जी की आराधना करने से शनि ग्रह बलवान होता है। लेकिन हमारे मन में अगर नास्तिकता हो जाए, हम हनुमान जी को माने नहीं, भगवान शनि को माने नहीं, तो यही शनि हमें परेशान करता है। और भगवान शिव राहु और केतु दोनों छाया ग्रह है, भगवान शिव की पूजा करने से राहु और केतु कभी भी हमें परेशान नहीं करते हैं। वैसे ही ठीक सूर्यनारायण भगवान शिव जी, विष्णु भगवान, गणपति गणेश जी और हनुमान जी की पूजा करने से नवग्रह कभी भी हमें परेशान करते ही नहीं।